तो चलिए फ्रेंड, जो कि हम आ चुके हैं इस टाइम में नई बाज़ार, और ये बता दें कि ये गोला बाज़ार ये होते हुए जो है कि अपना शाहजहाँवा गोरखपुर तक ये लाइन जाने वाली है, और ये सीधा आप देख सकते हैं ये इस पर जो है कि 3-4 सालों से जो है कि काम लगातार किया जा रहा है, और आज इसका अपडेट हम देने के लिए आए। और बता दें कि ये कम्प्लीट होने में तकरीबन 2 से 3 साल और लग सकते हैं। तो आइए जो है कि हम पूरा कवर करेंगे इसको, और पूरा आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए लेकर चलते हैं, पूरा बैक कैमरा से जो है कि आप यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ के दृश्य बारे में जो कि सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो कि हम आ चुके हैं यहाँ पर अपना जो भी ये नई बाज़ार से जो है कि ये गोला तक जा रही है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज नदी के पारो पार जो है कि बनाया जा रहा है, और यहाँ से जो है कि पूरा इस नदी का हम नज़ारा बनारस की जो भी है लाइन आ रही है, और ये जो है कि अपने नए बाज़ार से होते हुए जो कि शाहजहाँवा गोरखपुर तक जो है कि जा रही है, और तकरीबन अभी इसको बनने में जो है कि तकरीबन 2 साल का वक्त और लग सकता है। और ये बता दें कि ये देखिए फोर लाइन बना कर ये जो है कि जा रही है। ये देखिए मैं पूरा आपको कवर करके दिखा रहा हूँ यहाँ से, और ये देखिए नदी किस तरह से जो कि भरा हुआ है, और आगे के साइड में क्रेन लगा हुआ है, पूरा काम चल रहा है। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो कभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। तो आइए हम यहाँ से पूरा कवर करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए यहाँ से जो कि ये तकरीबन 3 से 4 सालों से इस पर काम किया जा रहा है, और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल और लग सकता है जिससे रेलवे लाइन का 2023-24 में फाइनल होगा। इसी तरह से ये भी 2024 तक जो है कि फाइनल होने वाला है ब्रिज, और ये काफ़ी बड़ी ब्रिज बनाई गई है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से ये स्टार्ट होता है और वहाँ तक जो है कि नदी पार करते हुए वहाँ तक जो है कि ये लाइन जा रही है सीधा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।